है? मेरी थाली वापस दीजिए, ये मारो पत्थर। मणि मणि पकड़ पकड़। पंडित रामकृष्ण जी देखिए, थाली हमारे हाथ में नहीं है, गुरु जी के हाथ में है। निशाना गुरु जी के ऊपर लगाई थी। धनी मणि, अरे समय नहीं है, थाली दीजिए गुरुवर। पंडित रामकृष्ण थाली चाहिए ना आपको, तो लीजिए लीजिए, ये लीजिए थाली। माँ का भोग, माँ का भोग, माँ की थाली, माँ का भोग, मेरी माँ के भोग की थाली, मेरी माँ की भोग की थाली। गुरुवर नहीं, गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर माँ को भोग लगाना है। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर मेरी माँ की थाली, गुरुवर माँ की थाली दे दीजिए गुरुवर। गुरुवर, अरे मेरी थाली चाहिए गुरुवर, गुरुवर मेरी थाली। वो भीतर आपका थाल है, जाइए ले लीजिए। हाँ हाँ, माँ के भोजन की थाली है। माँ का भोग, माँ का भोग। अरे गुरुवर द्वार क्यों बंद किया गुरुवर? अरे क्या आप क्या देख रहे हैं भक्तजनों, जाइए अपने अपने घर पर जाइए। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ। हाँ? गुरुवर द्वार खोलिए, गुरुवर गुरुवर द्वार खोलिए। अब पत्थर उठाइए पंडित रामकृष्णा, भीतर बंद रहिए। हम पर पत्थर उठाया था ना। और सुनिए, अभी आपका दंड पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे कंधे पर चोट पहुंचाई थी ना, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो दरबार से निकलवाया है ना, अब विजयनगर से भी निकलवाएंगे। अरे नहीं गुरुवर ऐसा मत कहिए, मुझे समय पर पहुंचना है, विलम्ब हो जाएगा तो मां प्रस्थान कर जाएंगी। गुरुवर द्वार खोलिए, गुरुवर गुरुवर द्वार खोलिए। विश्राम कीजिए अंदर पंडित रामकृष्णा। गुरुवर चलो मूर्खो आओ। हे मां, क्या करूं, ये द्वार कैसे खोलूं? समय पर नहीं पहुंचा तो मां प्रस्थान कर जाएंगी। ड्यूटी हमारी है, हमने उन्हें इतना स्नेह, इतना सम्मान दिया है कि सिर पर चढ़ गए पंडित रामकृष्ण। आज वो कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सत्य कहा महाराज आपने, पंडित रामकृष्ण का व्यवहार अत्यंत ही विचित्र था। महाराज वो हमें माँ कह रहे थे, जैसे वो हमें पहचानते ही ना हो। और छोटी रानी के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। माँ आप हमें छोड़कर मत जाइएगा, माँ ये नगर छोड़कर मत जाइए। परंतु महाराज आप ही बताइए, भला हम दोनों आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? महारानी चिन्ना देवी, हम उनकी वो त्रुटि भी क्षमा कर देते, परंतु उन्होंने गुरुवर को धक्का दिया, उनका अपमान किया। नहीं, हमने जो पंडित रामकृष्ण को दंड सुनाया है वो उचित किया है। महाराज लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। काढ़ा? महारानी तिरुमलंबा, इस समय हमारे मस्तिष्क में पूर्व से ही पीड़ा हो रही है, आप ये काढ़ा पुनः ले जाइए। तब तो इस काढ़े की आपको अधिक आवश्यकता है। काढ़ा पीने से मस्तिष्क तीव्र गति से चलता है और आपका तो मस्तिष्क ही नहीं चल रहा है, तभी तो आप छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। क्या नहीं समझ पा रहे हम? आपको ज्ञात है हम क्या बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? पंडित रामकृष्ण की। आज दरबार में सबको यही प्रतीत हो रहा था ना कि वो हमें महारानी चिन्ना देवी को माँ कहकर पुकार रहे थे, तो और किसे कह रहे थे? प्रतिदिन काढ़ा पीते तब ये बात समझ में आती ना। महाराज आपको स्मरण है, एक बार आप ही ने हमें बताया था कि पंडित रामाकृष्णा माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका आशीर्वाद है पंडित रामाकृष्णा के ऊपर और पंडित रामाकृष्णा उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। हाँ, क्या था वो? इसका तो ये हुआ कि पंडित रामाकृष्णा महारानी चिन्ना देवी की नहीं अभी तो माँ काली की बात कर रहे थे। जी, परंतु ऐसा कैसे संभव है? वो कह रहे थे माँ नगर छोड़ के चली जाएगी। माँ भला नगर छोड़ के कैसे जा सकती है? ये तो पंडित रामाकृष्णा ही जानते हैं, परंतु आगे उनसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। सब तो उनका अपमान करने लगे। सत्य कह रही हैं, हमें पंडित रामाकृष्ण की बात सुन लेनी चाहिए थी। कहीं हमसे आज कोई भूल तो नहीं हो गई है? कोई है? द्वार खोलो। अरे कोई है कि नहीं? रामा, आज क्या हो गया है तुझे? कर क्या रहा है तू? सचमुच मुझे तुझे लेके अब चिंता हो रही है। द्वार खोलना अति आवश्यक है बंधु, नहीं तो माँ चली जाएंगी। मुझे माँ को रोकना है, मुझे माँ को रोकना है बंधु। कोई है? द्वार खोलो, कोई है? माँ को रोकना है। अब मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, अब मुझे जाना ही होगा। मैं समय पर नहीं पहुंचा तो माँ प्रस्थान कर जाएगी। क्या मैं माँ को नहीं रोक पाऊंगा? मैं माँ को नहीं रोक पाऊंगा। खोलो, द्वार खोलो। आज उचित पाठ पढ़ाई ही दिया पंडित रामाकृष्ण को। हम तो अपने कंधे का दर्द भी भूल गए। आज कई दिनों पश्चात हमें आनंद भरी निद्रा आएगी। वो तो ठीक है गुरुजी, किंतु यदि पंडित रामाकृष्ण वहां से निकलकर भाग गया तो फिर वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में सफल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपको स्मरण नहीं गुरुजी, वो पंडित रामाकृष्ण है। हार को जीत में बदलना उसे चुटकियों में आता है। आपको पंडित रामाकृष्ण को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए। हाँ, पंडित रामाकृष्ण को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। हे भगवान, हमारी आँख क्यों फड़क रही है? सब कुछ उचित तो होगा ना? अम्मा, आपको क्या हुआ? आपका मन घबरा रहा है, कुछ अनर्थ होने वाला है। हे भगवान, अब क्या गलत होने वाला है? अम्मा, आपको पता है हमारे साथ भी अपशगुन हो रहा है। हमारी ये दाईं आँख फड़क रही है, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। वही तो हम भी कह रहे हैं अम्मा, कि अपशगुन है। वो माँ को रोकने के लिए गए हैं, सब कुछ उचित तो होगा ना? जीजा जी किसे रोकने गए दीदी? और क्या उचित होने की बात हो रही है? तू आ गया गोविंदलू? हाँ, और विजयादशमी के लिए तेनाली से मिठाइयाँ भी लेकर आया हो। परंतु जीजा जी कहाँ है? वो माँ को भोग चढ़ाने के लिए गए हैं, परंतु कहाँ गए हैं ये ज्ञात नहीं है। अम्मा, अब माँ ही देखेंगी, वही संभालेंगी मेरे पुत्र को। आप सही कह रही हैं अम्मा, अब वही संभालेंगी। पर अम्मा, कुछ बुरा होने वाला है, ये संकेत भी तो माँ ही दे रही हैं। ये तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है आज। बापू के साथ सब उचित करना माँ, बापू को सफल बनाना। द्वार खोलो, मुझे समय से पूर्व माँ को रोकना है। माँ प्रस्थान कर जाएगी। हो गया है क्या? रुक जा रामा, हाथ टूट जाएगा रामा। आशीर्वाद, हटिए हटिए। रामा, कुंडी ढीली पड़ रही है, हिलाते रहे तो द्वार खुल जाएगा। शीघ्र चलो गति बढ़ाओ। मां नहीं जा सकती, चिमा को रोकना ही होगा, चिमा को रोकना होगा। सूर्यास्त हो रहा है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। द्वार कैसे खुल गया? पंडित रामकृष्ण बाहर कैसे आ गया? ये पंडित रामकृष्ण करना क्या चाहता है? थाली लेकर जा कहाँ रहा है ये? आए आओ देखते हैं। मैं माँ को रोक लूंगा, मैं माँ को रोक लूंगा। कुछ तो विशेष है आज। रामा के व्यवहार में सचमुच विक्षिप्तता है, परंतु ये जा कहाँ रहा है? कोई भेद की बात तो है। देखते हैं ये क्या करता है, पीछा करते रहो। माँ को रोकूंगा, माँ को रोकना है, माँ को रोकना है। मैं तो मत जाना। अरे भगा भगा के मार डाला। यहाँ तो मात्र पत्थर है। कैसा मूर्ख है। अरे प्रतिमा तो पत्थर की ही होती है, ये कौन सी नई बात करती पंडित रामकृष्ण ने। पत्थर की प्रतिमा को देखकर कह रहा है कि ये तो मात्र पत्थर है। यही तो अंतर है आप में और पंडित रामकृष्ण में। आपके लिए जो पत्थर की प्रतिमा केवल पत्थर की ही होती है, पंडित रामकृष्ण के लिए उसी पत्थर की प्रतिमा में भगवान बसते हैं। वाह, माँ तो गई, किंतु नगर से जाने के लिए वो अवश्य ही नगर के द्वार से प्रस्थान करेंगी। नहीं माँ, माँ ये तो फिर भागने लगा। कहीं भगा भगा के हमें मारना तो नहीं चाहता है? कहीं यही तो इसका षड्यंत्र नहीं है? नहीं गुरुजी, पंडित रामकृष्ण को ज्ञात ही कहाँ है कि हम उसके पीछे हैं, किंतु हाँ ये किसी को खोज अवश्य रहा है। हमें ये जरूर जानना चाहिए कि किसको खोज रहा है। चलिए उसके पीछे। रुकिए रुकिए रुकिए, हमें श्वास संभालने दीजिए। गुरुजी हम फंस गए। गुरुजी चलो निकलो। माँ को नहीं जाने दूंगा, माँ माँ को रोक लूंगा। सूर्यास्त होने वाला है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। रामा, रामा, माँ चली गई रामा। माँ जा रही है रामा। नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। माँ, माँ, माँ। जाने दूंगा माँ, नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती माँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। रामा, मेरा जाना निश्चित है पुत्र। नहीं माँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये क्या कर रहे हैं? इनको हो क्या गया है? ऐसा प्रतीत होता है पंडित रामाकृष्ण सचमुच विक्षिप्त हो गया है। नहीं गुरुजी, ये पंडित रामाकृष्ण का नया प्रपंच है। यदि कोई प्रपंच है तो सामने आ जाएगा। हमारी दृष्टि इसी पंडित रामाकृष्ण पर जमी रहेगी। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रामा, क्यों रोक रहे हो मुझे? मैंने कहा ना, अब मुझे जाना ही होगा। समय की मर्यादा रखनी ही होगी। जाओ ना माँ, मैं तुम्हें कहाँ रोकने आया हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। बस ऐसे नहीं जा सकती अर्थात जाने से पूर्व मैं मात्र तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुमने अपने पुत्र से झूठ कहा था। ये हवा में इधर उधर देख किससे वार्तालाप कर रहा है? गुरुजी, कहीं किसी अदृश्य शक्ति के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है पंडित रामाकृष्ण? झूठ कहा? वो कैसे रामा? भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। भक्त की इच्छा भगवान के लिए उनकी इच्छा होती है। ये तुम्हारा ही वचन है ना माँ? धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। अवश्य लिखा है, परंतु भक्त को भी तो भगवान की विवशता समझनी चाहिए ना। समय की मांग पूरी करना आवश्यक है। माँ, तुम देवी होते हुए समय अथवा काल के अधीन कैसे हो सकती हो? काल तो तुम्हारे अधीन होता है ना। काल मेरे अधीन है रामा, परंतु काल की मर्यादा को बनाए रखना भी मेरा ही धर्म है। मैं चाहूँ तो पलक झपकने से पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हूँ, परंतु संसार को चलाना भी मेरा ही धर्म है। और संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय की मर्यादा का बना रहना अति अनिवार्य होता है। समझ गया माँ, उचित है। काल की मर्यादा के लिए तुम मुझे और संपूर्ण विजयनगर को छोड़कर जा सकती हो। कि तो ये क्या अपने पुत्र के प्रति अन्याय नहीं है? रामा, मात्र तुम ही नहीं पुत्र, अपितु संसार के सभी जीव मेरी ही संतान है। अच्छे बुरे सभी, और मेरा ममता भाव सभी के लिए एक समान है। मैंने हर पापी को एक अवसर अवश्य दिया है और उनका संहार भी अपने ही अस्त्र से किया है, ताकि मेरे अस्त्र से प्राण त्यागने के पश्चात उन्हें मुक्ति मिल सके। पापी होने के पश्चात वो है तो मेरी ही संतान, इसलिए मैं उन पर भी करुणा ही दिखाती हूँ। रामा, अब तुम मुझे और धर्म संकट में मत डालो। हट जाओ मेरे मार्ग से और मुझे जाने दो। उचित है माँ, उचित है। यदि जाना चाहती हो तो जाओ, किंतु जाने से पूर्व मेरी एक प्रार्थना है। यदि मानना चाहो तो मान लेना। चिंतित मत हो माँ, रुकने के लिए नहीं कहूँगा। उचित है। बोलो, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जाने से पूर्व तुम मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करो अपने मंदिर के प्रांगण में। क्या मेरी मात्र इतनी सी प्रार्थना स्वीकार करोगी? चाहो तो स्वीकार कर सकती हूँ।